ये हादसा ऐसे पेश आया, हमारी गाड़ियाँ सबसे पहले नंबर पर तो हमारी जो गेजर की गाड़ियाँ हैं वो आप देखो सारी ज़्यादती हमारे गेजर के साथ हो रही है। सबसे पहले वो गाड़ी थी, हमें कहा डायवो है, डायवो की टिकट हमें 3500 रुपये में टिकट दी उन्होंने। जब वहाँ पर बस आई, एक मेरे साथ और दोस्त था भूपुर का, दो लड़के थे हम, हमने कहा ये तो गाड़ी तो 1000 रुपये में लायक नहीं है, ऐसी छगड़ा गाड़ी थी बिल्कुल। हमने यहाँ गिलगित में आके नीचे कंपनी को हमने कहा ये भाई ये क्या है, आप 3500 रुपये लेके हमें क्या गाड़ी दे रहे हैं, ये तो अभी एक्सीडेंट हो जाएगी। उन्होंने कहा आगे जाके बात करें आप, जब रूम वालों ने कहा। हमने फिर वो दोस्त ने कहा मना किया, उसने कहा बस छोड़ो क्या करें, अब हमारे साथ ज्यादा तो होती है, जाते हैं बस इसी तरह बैठ गए अल्लाह अल्लाह करके। वो जो ही बस वही सोच रहे थे, बस अचानक वो छतियाल के से थोड़ा पीछे बस अचानक एक तो रफ्तार तेज़ फुल, इतनी रफ्तार तेज़ थी, उधर से भी फुल रफ्तार गाड़ी आ रही थी। बस जो ही उन्होंने पलटा खाया, बस दो तकरीबन तीन पलटे खाए गाड़ी ने, मैंने बस रोशनी मुझे दिखी, मैंने उससे छलांग मारी, छलांग मार के अल्लाह का शुक्र है बच गया। उसके मैं तकरीबन पैदल ऊपर तक खुद चल के आया, और लोगों की चीखें आ रही थी, इनका कोई पाँव टूटा हुआ था, किसी का कोई हाथ टूटा हुआ था, उनको देख कर ही तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा उनको हेल्प करता हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हुआ, हालत मेरी भी ख़राब थी, पीछे से इंजरी थी मेरी भी कुछ। मैं ऊपर तक चला पैदल, फिर ऊपर से छतियाल के लोग आए, उन्होंने हमें बचाया, अपने साथ ले गए सारों को। इनका ऐसा करना चाहिए, इनको बिल्कुल कैस कर, ये सारी बसें इनको क्लोज करनी चाहिए, न्यू बसें जो हैं न्यू बसें लाएँ, उनको मेंटेनेंस करना चाहिए, हर दिन में उनका मेंटेनेंस चेक करना चाहिए, हर महीने में उनको चेक करना चाहिए कि भाई ये चल सकती है नहीं, पैसेंजर आरामदा सफ़र है या नहीं, तो इसके लिए काफ़ी इकदाम करने चाहिए उनको, उनको देखना चाहिए अच्छी तरह से, हर बस को तकरीबन चेक करना चाहिए हमेशा, लेकिन ये चेक नहीं करते हैं। चुपर क्या करते हैं, अभी ड्राइवर ड्राइवर है, ड्राइवर क्या होता है, छोटे छोटे यंग लड़के लाते हैं, कभी एक एक बस के लिए कभी एक ड्राइवर आता है, कभी दूसरा ड्राइवर आता है, कभी तीसरा ड्राइवर आता है, वो क्या चलाएंगे, छोटे छोटे बच्चे ना, उसको इनका इतना एक्सपीरियंस होता है, दो दो साल चला के वो बस चलाते हैं। हाँ मैं ज़रूर करूँगा, मैंने अभी सीएम सर को ही खुद बता दिया, मैंने कहा ये मसला है, सीएम सर ने खुद कहा हम आपके साथ कोऑपरेशन करते हैं, मैंने कहा चलो अगर कोऑपरेशन होती तो बहुत थैंक यू आपकी।